गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आज हमको इंग्लिश की मेन बुक पढ़नी है, ठीक है? तो आप सब लोग अपनी इंग्लिश जोन की बुक ओपन कर लीजिए, ठीक है? तो आज हमको इंग्लिश में कौन सा चैप्टर पढ़ना है? आज हमको इंग्लिश में प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। आज हम जानेंगे कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के बारे में स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है? तो आप सब लोगों को अपनी बुक का पेज नंबर 49 अपनी बुक का ओपन करना है। चैप्टर का नाम क्या है? प्लांट्स। और कौन सा चैप्टर है? 7 चैप्टर। तो आप सब लोग अपनी बुक्स का 49 पेज नंबर ओपन कर लीजिए। प्लांट्स, तो आज हमें क्या जानना है? प्लांट्स, पौधों के बारे में जानना है कि पौधे क्या होते हैं, कैसे होते हैं और क्या करते हैं, वो कैसे खाना खाते हैं, क्या पानी पीते हैं, सोते हैं, हमारी तरह रहते हैं वो। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो बी रेडी। शो योर पार्टनर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट। आपका जो भी पार्टनर है, आप उसे ये सारे पार्ट्स दिखाएंगे। अब प्लांट्स में कितने पार्ट्स होते हैं? देखिए, ये होती है जो नीचे का पार्ट होता है, इसे हम रूट्स बोलते हैं। देन सेकेंड कौन सा पार्ट होता है? स्टेम। जो ये पतले पतले डंडे होते हैं जिसमें फूल्स लगते हैं, लीव्स आती है, उसे हम स्टेम बोलते हैं। अब पत्तों को हम क्या बोलते हैं? जो पत्ते आते हैं, लीव्स, थर्ड में। और फिर जो फ्लास्क में फ्लावर आते हैं, फूल, देखिए फ्लावर आया ना, तो इसको हम फ्लावर्स बोलते हैं। व्हाट डू यू सी फ्लाइंग अबव द फ्लावर? अब आपने, आप क्या दिख रही है इस पिक्चर में उड़ते हुए? क्या दिख रही है जो फ्लावर के पास में है, इसे क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई। तो यहाँ क्या आएगा? बटरफ्लाई आएगा। लेट्स स्टार्ट। मिसेस पूजा हैज़ अ लवली गार्डन। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है, इसका नाम क्या है? पूजा। इसके पास बहुत ही एक अच्छा सा सुंदर सा गार्डन है। इट इज़ एट द फ्रंट ऑफ हर हाउस। और वो जो गार्डन है उसके घर के एकदम सामने है। There are in its many plants and flowers. और उसके गार्डन में क्या है? बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स, अच्छे अच्छे प्लांट्स है और फ्लावर्स भी लगे हुए। मिसिस पूजा फिनिश हर वर्क इन द इवनिंग। और जो पूजा थी ना, वो क्या करती थी? अपना जल्दी से सारा काम कंप्लीट करके इवनिंग टाइम में वहाँ पर आती थी। देन शी लव टू सिट इन हर लवली गार्डन। और उसे बहुत अच्छा लगता था गार्डन में बैठना शाम के टाइम पे। तो वो हमेशा क्या करती थी? जल्दी से अपना काम ख़त्म करके और फिर गार्डन एरिया में बैठती थी। वन इवनिंग मिसिस पूजा वॉज सिटिंग इन हर गार्डन। एक दिन क्या होता है, शाम के टाइम पे जो पूजा होती है वो अपने गार्डन में बैठी होती है। हर किड डॉटर पीहू वॉज ऑल्सो विद हर। और उसकी डॉटर आती है, उसकी बेटी आती है, जिसका नाम क्या होता है? पीहू होता है। वो आती है उसके साथ। शी लव्स फ्लावर सो मच। और उसे, वो देखती है गार्डन में बड़े सुंदर सुंदर फूल होते हैं, उसे बहुत अच्छे लगते हैं फ्लावर्स। पीहू वॉन्ट टू प्लक वन बिग फ्लावर। जो पीहू होती है वो, उसको क्या मन कर रहा होता है? उसका मन कर रहा होता है कि वो एक फ्लावर को ना, बड़े से फ्लावर को तोड़ ले। मॉम शी सेड मे आई प्लक दिस फ्लावर। वो अपनी मम्मी को पूछती है, क्या मैं एक फूल को तोड़ सकती हूँ? हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। वो कहती है कितना सुंदर है ये। मदर नो डियर डू नॉट प्लक एनी फ्लावर एट दिस टाइम। डू नॉट यू नो प्लांट गो टू स्लीप एट नाइट। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है? उसकी मम्मी बोलती है नहीं बेटा, इस टाइम पे हमें फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस टाइम क्या रात हो गई है और रात के टाइम्स फ्लावर्स भी जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो भी सो रहे होते हैं। तो हमें रात को कभी भी हमें फ्लावर्स प्लांट्स में कुछ भी नहीं तोड़ना चाहिए। पीहू मॉम डू प्लांट ऑल्सो स्लीप। तो पीहू बोलती क्या मम्मी, जो प्लांट्स होते हैं वो भी सोते हैं क्या? देन उसकी मम्मी बोलती है मदर यस ऑल प्लांट्स स्लीप लाइक अस। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है? हाँ, हमारी तरह जैसे हम लोग सोते हैं वैसे सारे प्लांट्स भी सोते हैं रात के टाइम पे।
एंड दे फील पेन एंड प्लेशर लाइक अस, और वो भी हमारी तरह उन्हें भी दर्द भी होता है और खुश भी होते हैं। पीहू, मॉम हाउ कैन यू से डैट, वो कहती है मम्मी आप ये कैसे कह सकती हो। मदर, जे सी बॉस प्रूव ऑल दिस, तो उसकी मम्मी बोलती है एक व्यक्ति था जे सी बॉस, उसने ये सब चीज़ें साबित की गई है कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी हम लोगों की तरह सोते हैं, उनको भी हमारी तरह सेम खुश होना दुखी होना सब होते हैं। ही प्रूव इट बाय हिज एक्सपेरिमेंट, और उन्हें एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्हें प्रूव किए, ये साबित किए कि प्लांट्स भी हमारी तरह सेम एज होते हैं। पीहू, मॉम हु वाज जे सी बॉस, तो जो पीहू होती है वो अपनी मम्मी से पूछती है अच्छा मम्मी कौन है ये जे सी बॉस, तो उसकी मदर क्या बोलती है शी ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, उसकी मम्मी बोलती है वो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है हमारे इंडिया के। व्हाट डिड ही प्रूव, तो पीहू पूछती है अच्छा उन्हें ऐसा क्या साबित किया था, क्या प्रूफ दिया था उन्हें। ही प्रूव मैनी थिंग अबाउट प्लांट, तो उसकी मम्मी बोलती है उन्हें बहुत चीज़ें प्लांट के बारे में प्रूव की है। ही प्रूव डैट प्लांट स्लीप लाइक अस, तो उसकी जो मम्मी होती है पीहू की वो कहती है प्लांट्स जो होते हैं उन्हें वो प्रूव किया, ये साबित किया जो प्लांट्स जो होते हैं वो सेम हमारी तरह सोते भी हैं। दे फील सैड एंड हैप्पी लाइक अस, वो सेम हमारी तरह खुश होते हैं और दुखी होते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग, तो जो पीहू होती है वो बोलती है अरे ये तो कितनी मज़ेदार बात है, कितनी अच्छी बात है, इंटरेस्टेड। व्हाट एल्स डिड ही प्रूव, फिर वो पूछती है और क्या क्या उन्हें प्रूव किया है, तो उसकी मदर बोलती है ही प्रूव डैट प्लांट्स ईट एंड ड्रिंक लाइक अस, तो उसकी मम्मी क्या बोलती है जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ये प्रूव किया था जो प्लांट्स होते हैं वो सेम हमारी तरह खाना भी खाते हैं और पानी भी पीते हैं। दे ड्रिंक वाटर बाय देयर रूट्स, जो पौधे होते हैं प्लांट्स होते हैं वो पानी कैसे पीते हैं अपनी रूट्स, अब रूट्स मैंने बताया था ना आपको रूट्स कौन होती है जड़ जो नीचे होती है प्लांट्स के सबसे उनसे ही वो पानी पीते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स, और वो सांस किससे लेते हैं अपने पत्तों से सांस लेते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द सॉइल, और वो अपना खाना कहाँ से बनाते हैं अपना सॉइल से, जो मिट्टी होती है उससे वो अपना खाना बनाते हैं। दे ईट ड्रिंक एंड फील लाइक अस, वो सेम हमारी तरह खाना भी खाते हैं पानी भी पीते हैं और हर चीज़ महसूस भी करते हैं। ओनली दे डू नॉट मूव लाइक अस, बस वो हमारी तरह चल नहीं सकते, बाकी सारी चीज़ें हमारी तरह करते हैं प्लांट्स। थैंक यू मॉम, तो पीहू क्या बोलती है थैंक यू धन्यवाद अपनी मम्मी को करती है। यू हैव टोल्ड मी सो मच अबाउट प्लांट, तो पीहू बोलती है आपने ना मुझको आज प्लांट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। आई शिल नेवर गिव देम पेन, तो पीहू बोलती है आज के बाद मैं प्लांट्स को कभी भी दर्द नहीं करवाऊंगी, पेन उन्हें नहीं दूंगी। आई शिल ऑलवेज लव देम एंड टेक केयर ऑफ देम, और मैं उन्हें हमेशा ही प्यार करूंगी और अच्छे से उनका ध्यान रखूंगी, टेक केयर करूंगी। यस दैट्स लाइक अ गुड चाइल्ड, तो उसकी मम्मी बोलती है वेरी गुड, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। नाउ आई शेल टेल यू अ वेरी स्ट्रेंज थिंग अबाउट प्लांट, तो उसकी मॉम बोलती है मैं तुम्हें आज एक ऐसी बात बताती हूँ जो बहुत ही स्ट्रेंज बात है जो तुम्हें नहीं पता होगी। पीहू, टेल मी मॉम, तो पीहू क्या बोलती है हाँ मम्मी बताइए मुझको, तो उसकी जो मदर होती है वो बोलती है सम प्लांट्स ईट फ्लैश, अब फ्लैश मतलब क्या होता है मांस, ठीक है, तो उसकी मम्मी बोलती है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो मांस खाते हैं, जो मीट होते हैं ना जो जानवरों का होता है मांस, जब मर जाते हैं उनके अंदर की जो होता है बॉडी का उसे हम मांस बोलते हैं। दे हंटेड फॉर देयर फूड दे कैच इंसेक्ट एंड ईट देम, तो उसकी जो मम्मी होती है कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो मांस खाते हैं
वो सबसे पहले अपना शिकार जो होते हैं, अपना खाना जो होते हैं, उसे शिकार करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं वो प्लांट्स, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं ना, उनको पकड़ते हैं, देन उसके बाद उसको खा लेते हैं। तो पीहू बोलती है, रियली क्या ऐसा सही में होते हैं? अब ये मुझे बताइए, आपको भी कभी नहीं पता था ना कि प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो भी जानवर खाते हैं। आप लोग को पता था इंसेक्ट्स, कि वो इंसेक्ट खाते हैं? नहीं ना। तो आज आपको ये भी जानने को मिला। मदर, यस इट इज़ अ ट्रू, दीज प्लांट ट्रैप इंसेक्ट एंड अदर टाइनी एनिमल, दे किल देम फ्रॉम देयर फूड। तो उसकी मम्मी बोलती है, हाँ ये बात एकदम सही है। और जो प्लांट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने जाल में छोटे छोटे से इंसेक्ट जो होते हैं, एकदम छोटे छोटे से, उनका अपने जाल में फंसाते हैं और उनको पकड़ के, उनको मार के खा जाते हैं। अब ये आप पिक्चर देखिए, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, सनड्यू, ये तीन ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये तीनों प्लांट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे से इंसेक्ट खाते हैं। द पिचर प्लांट, द सनड्यूज एंड द वीनस फ्लाई ट्रैप आर फ्लैशिंग ईटिंग प्लांट। तो इन्हें क्या बताइए, जो तीनों प्लांट होते हैं वो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट को पकड़ के। पीहू, मॉम आई नेवर न्यू सो मच अबाउट प्लांट। तो पीहू बोलती है, मम्मी मुझे कभी नहीं पता था कि प्लांट्स के बारे में इतनी सारी बातें। आप सबको भी नहीं पता होगा वैसे तो, आज आप सबने भी जाना। थैंक यू फॉर टेलिंग मी दिस इंटरेस्टिंग थिंग। तो वो अपनी मम्मी को थैंक यू करती है, धन्यवाद करती है कि आपने मुझे इतनी अच्छी अच्छी आज बातें बताई। मदर, पीहू लेट अस गो नाउ, गो इन नाउ। तो उसकी मम्मी बोलती है, चलो पीहू अब चलते हैं, योर पापा इज कॉलिंग, तुम्हारे पापा जो है वो बुला रहे हैं, ही नो अ लॉट अबाउट प्लांट्स। तो उसकी मम्मी बोलती है कि जो तुम्हारे पापा हैं, उन्हें भी प्लांट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हैं, ही विल टेल यू हाउ दिस प्लांट्स कैच इंसेक्ट। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है, अंदर चलते हैं, तुम्हारे पापा को भी प्लांट्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज है और वो तुमको बताएंगे कि प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ के खाते हैं। पीहू, यस मॉम आई विल आस्क हिम ऑल अबाउट इट। तो पीहू बोलती है, हाँ मम्मी चलिए मैं भी उनसे पूछती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो आपकी स्टोरी स्टूडेंट्स आज 7 चैप्टर की यहीं पर ही कम्प्लीट होती है। अब आप मुझको बताइए, इससे हमें क्या क्या सीखने को मिला, क्या मॉरल होता है इसकी स्टोरी से? सबसे पहली बात, आज हमें जानने को, प्लांट्स के बारे में जानने को मिला कि प्लांट्स कैसे होते हैं, प्लांट्स भी हमारी तरह सोते हैं रात को, वो भी हमारी तरह खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, फील करते हैं हमारी तरह जैसे हम फील करते हैं, बस वो हमारी तरह चल नहीं सकते। और कुछ तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो छोटे छोटे इंसेक्ट खाते हैं। तो आज हमें इस कहानी से ये चीज़ जानने को मिलती है और हमें ये भी चीज़ मिलती है कि हमें जो प्लांट्स होते हैं उनके अच्छे से टेक केयर करनी चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज ये लेसन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप सब लोग इस स्टोरी को एक बार अच्छे से रीड करेंगे अपनी बुक में, और जो भी आपको डाउट्स हो गए वो आप अपने पेंसिल से मार्क करके उसका मीनिंग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप लर्निंग।